जा रखे हैं रवाई वैली के गीत पट्टी के कुपड़ा गांव में, जहां पर नाग पंचमी का भव्य मेला होता है जो कि शेषनाग देवता को समर्पित है। ये ब्लॉग मम्मा ने शूट किया था ताकि वो हमें दिखा सके कि कैसे इधर सेलिब्रेट होता है, बट हमें ये इतना अट्रैक्टिव लगा कि हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं एंड इंट्रोड्यूस यू टू आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, और अपनी संस्कृति को कभी विलुप्त ना होने दें। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि अभी भी हमारे रवाई में हमारी संस्कृति जिंदा है, एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड कि हम भी अपनी संस्कृति को यूं ही आगे बढ़ा सकें। दिस इज द रीज़न वाई वी मेड दिस वीडियो। So yeah, let's get into this video. And please ensure to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon so that you could get the notifications of our upcoming videos very first. सबसे पहले तो आपको इस मंदिर की खूबसूरती दिखाते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल टेंपल है ये। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करते हैं जहाँ पर शेषनाग महाराज विराजमान है। इसके बाद उन्हें पंडाल में सबके सामने दर्शन के लिए बाहर लाया जाएगा। इस मंदिर में काफी सुंदर वुडन वर्क किया गया है, तो चलिए पंडाल की तरफ चलते हैं जहां पर शेषनाग महाराज को बाहर लाया जाएगा। तो ये पंडाल है जहां पर दो डोलियां रखी गई है, जिसमें एक जाख देवता की है और एक सोमेश्वर महादेव जी की डोली है, और बीच में शेषनाग महाराज का आसन बन रखा है जिस पर वो विराजमान होंगे। इस मंदिर की सजावट ब्रह्म कमल और गेंदे के फूलों से की गई है, और आपको पता ही होगा कि ब्रह्म कमल विष्णु भगवान को कितना प्रिय है, और शेषनाग भगवान तो विष्णु जी के साथ ही हैं, इसलिए इस मंदिर की सजावट ब्रह्म कमल से की गई है। और ये देखिए यहाँ पर शेषनाग महाराज की मूर्तियों को दूध, दही, घी, मक्खन, शहद और शर्करा से स्नान करवाया जा रहा है। और मम्मा ने बताया कि जिस शंख से जल डाला जा रहा है वो दक्षिणावृति शंख है। हिंदू पुराणों के अकॉर्डिंग ये जो शंख होता है दक्षिणावृति, इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये शंख काफी मुश्किल से मिलता है, और इस मंदिर में इस शंख का होना ये दर्शाता है कि यहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है और इस मंदिर में कितनी समृद्धि है। और ये देखिए शेषनाग महाराज की मूर्ति को मक्खन से स्नान करवाया जा रहा है, और आप भी इसके दर्शन कीजिए। बाद में ये जो मक्खन है इसे बर्तन में कलेक्ट किया जाएगा और इस मक्खन से होली खेली जाएगी, और इसी मक्खन को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। और स्नान के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। माना जाता है कि अगर किसी को काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उसे दूर किया जा सकता है। अगर आपको बोले कि आपने माखन की होली देखी है तो आपके जहन में मथुरा या वृंदावन सबसे पहले आएंगे। वैसे तो सभी ने रंगों और फूलों की होली ही देखी है और सुनी है, लेकिन यहाँ पर मक्खन की होली खेली जाती है जो कि कई सदियों से इसी तरह खेली जा रही है, और ये रवाई की संपन्नता को दिखाती है। Oh, 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 oh
रवाई का तांदी नृत्य। रवाई में कोई शुभ कार्य हो और तांदी नृत्य ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ के लोगों ने यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन रखी है। पहले ये नृत्य जो होता था वो ढोल दमाऊं रणसिंगे की थाप पे ही होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे जैसे समय बदलता है तो थोड़ा सा परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो अब जो बाजगी लोग हैं वो माइक लेके, और बाकी रणसिंगा ढोल दमाऊं तो रहते ही हैं, लेकिन वो माइक पे गाना गाते हैं। But not the least, just like a showstopper, ये है शेषनाग महाराज की झांकी, जो कि हमें इतनी क्लियर दिख रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये दृश्य। वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।